अमित शाह जी अगर 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले किसी भी प्रांत में चले जाएं और वहां बाद में चुनाव करा दीजिए, जो रिजल्ट आता है आप लोगों को मालूम है ना, वो उसको इसको ध्यान रखे और मैं हाजिर कर रहा हूं। स्वागत। ये हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। चले जाए अमित शाह पार्क में कुछ रोज की खातिर, चले जाए अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार। और भाई साहब कह रहे थे मैं वो हाजिर कर रहा हूँ, कई बार सरकार में नहीं बजा भैया पड़े फिर से एक बार तो मजा नहीं आया दोबारा। हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए। भैया गए हम एक दिन संतान घाटे, एक दिन में बेचारे मर गए, वो कहन की गुरु ये कम मरलन पता नहीं चलन फिर से एग्जाम बढ़ा। संजय पांडे जी ऐसे देख के देखे तुम ऐसे एकदम मुगले आलम दमदार। बनारसी जी शायद आपको मालूम नहीं है इसी श्मशान पे घटना ऐसी गुजर चुकी है कि राम राम सत्य है राम राम सत्य करते हुए उनको लेके आए चिता पर रख दिए। अखबार में लोगों ने पुराने लोगों ने पढ़ा होगा याद होगा कि वो मुर्दा उठ गया और फिर उसको चाय पिलाया गया और चाय पीने के बाद फिर सो गया तो वही हाल भैया करा दे। अरे उसे तब सही है गुरु, आप इतना राम राम सत्य है कहोगे तो इस्लाम से खारिज होके के डर है। भाई साहब स्वागत 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 पाकिस्तान निकाल ली। इधर देखा बहुत बढ़िया बात इन्होंने छेड़ा, अब हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, क्या वतन से मोहब्बत आधा ईमान है ये इस्लाम सिखाता है। वाह। और कुरान की कुरान में एक आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो पढ़ा जाता है इसके अंदर है लकुम दीन अकुम वली दीन, ये तुम्हारा दीन है, ईश्वर सबका है एक, और ईश्वर कह रहा है कि ये तुम्हारा दीन है वो उनका दीन है, तुम अपने राह पर वो अपने राह पर, लड़ने के लिए नहीं कहा गया है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं ये बताया गया भाई साहब। इसलिए कहना चाहता हूं कि दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे, वाह वाह दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के पर दिल वतन के साथ रहे, हर एक सांस इसी अंजुमन के साथ रहे, मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा, मरूं मैं जब भी तिरंगा का पता। बहुत आसान तरीके से कहा गया है भाई साहब, झगड़ा तो हो ही नहीं सकता कि वेद और गीता का ज्ञान रखो सही भैया, वेद और गीता का ज्ञान रखो सही, जहनो दिल में कुरान रखो सही, धर्म तुझको बुरा लगेगा धर्म कोई बुरा लगेगा नहीं, धर्म की अपने मान रखो सही। अगर इंसान अपने अपने धर्म को सही ढंग से माने तो ईमानदारी से कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ये काशी है। और भाई साहब जो कह रहे थे वो हाजिर कर रहा हूं सुने क्या।